रायगढ़ एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश पर बरमकेला थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार मार्कंडे के नेतृत्व में थाने की टीम ने बस स्टैंड में साधु का कपड़ा पहनकर बैठे व्यक्ति की तलाशी लेकर उसके पास से इन्वर्टर सेट में छुपा कर रखे 14 किलो गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी बरमकेला थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार मार्कंडे ने कुछ इस प्रकार से दी। तो बताएंगे सर, क्या है ये मामला और किस तरह इसको पकड़ा गया है? हाँ, कल की बात है, शाम की 4-5 बजे की बात है, 4:30 बजे की। हमको ये जानकारी मिली थी कि बस स्टैंड में प्रतीक्षालय है, वहाँ एक साधु के वेश में आदमी बैठा हुआ है और वो गेरुआ वस्त्र धारण किया है और सर में भी एक गमछा बांधा है जिसमें राम नाम सब लिखा हुआ है, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ है साधु के वेश में, टोटल मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक साधु वेश में, और उनके पास एक बोरी रखी हुई है और एक इन्वर्टर रखा हुआ है। तो बोले कि वो कहीं जाने वाने का इंतजार कर रहा है, तो हमारे स्टाफ को फिर हमने भेज के उसकी तस्दीक कराया तो पता चला कि वो उसमें गांजा वांजा रखा है, तो फिर उसकी प्रक्रिया करवाने के बाद फिर उससे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने नाम बताया, अरुण कुमार पंचाल, पिताजी का नाम दे हरदेव कुमार पंचाल स्वर्गीय, और ये रहने वाले, ये 52 साल है इनकी उम्र, और रहने वाले चीर गांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, और ये लोग स्थानीय तौर पे ये आपके सूर्य नारायण वगैरह में कहीं किराए लेके मकान उकान में रहते हैं। कल हमने वेरीफाई किया था, जहाँ रहने के लिए बोला था वहाँ पर, लेकिन वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर और कोई आदमी या कोई सामान नहीं मिला, और इनसे पूछताछ करने पर बताया कि ये उड़ीसा से लेके गांजा आ रहे थे और ये लेके झांसी वापस जाते। सर पूछना चाहूंगी, इन्होंने अपराध करना कबूला है? हाँ हाँ, हमारे पास तो जो सामान मिला है उसको तो कैसे डिनाई करेगा, जो सामान उनके पास है उनसे बारे में पूछा। हाँ, मैं लेके जा रहा था, ये अभी भी 2-3 महीने पहले ये उड़ीसा थाना क्षेत्र में कोई सोनपुर जिला उला के आसपास में ये बंद भी था। तो ये मान के चल सकते हैं जिधर राज्यों से इस तरह की आवक हो रही है, जो तस्करी कर रहे हैं ये वेश बदल के, इसको हम लोग रोकने का प्रयास चल रहा है। बॉर्डर के थाने हैं, सभी को अलर्ट है हम लोग, और बहुत कम मतलब हमारे यहाँ से बच के जा पाते हैं, क्योंकि हमारे नेटवर्किंग बहुत अच्छे चल रहे हैं, यहाँ से लेकर हम उड़ीसा तक हमारे नेटवर्किंग है अंदर तक, और हमारे डोगरीपाली थाना हो गए और सरिया थाना हो गए, हमारे एसपी साहब भी इस मामले में बहुत अलर्ट है, हमारे सारे एसडीपी साहब, हमारे प्रभात पकड़े गए। मतलब गांजे की कीमत कितनी होगी लगभग? ये 14 किलो है तो 14-75 मतलब 1 लाख के लगभग की है ये गांजा, कीमत 1 लाख के लगभग। तो किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये इसमें 20 नारकोटिक एक्ट एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है आज, और कार्रवाई करके इनको आज हम जेल में भेज मतलब न्यायालय से रिमांड ले रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर, और कार्रवाई होती रहेगी। थैंक यू मैडम।